मार्केट में बढ़ते काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के रूप में ऐतिहासिक फैसला लिया था। सरकार के इस फैसले के बाद मार्केट से 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर हो गए थे और पुराने नोट बंद होने से मार्केट में करेंसी रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, जिसके चलते इसकी आपूर्ति करने के लिए रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट छापने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब RBI ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मार्केट से 2000 के नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। RBI ने फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन ये भी कहा है कि ये उसके बाद भी लीगल रहेगा। RBI ने फैसले के बारे में कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है। क्लीन नोट पॉलिसी में लोगों से गुजारिश की गई है कि वो करेंसी नोट पर कुछ भी ना लिखें, क्योंकि ऐसा करने से उनका रंग रूप बिगड़ जाता है और नोट की वैल्यू भी कम हो जाती है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।